1 जून को हमारे जलालपुर पंचायत में मेगा हेल्थ कैंप लगाने जा रहे हैं, और उस दिन जो है हम लोग अपना ब्लड डोनेशन कैंप यानी रक्तदान शिविर का भी जो है मेरा अपना ये संकल्प है कि 51 यूनिट कम से कम हम ब्लड को डोनेट करवाएं अपने गांव से, क्योंकि आज तक हम मेरे समझ से इतना 51 यूनिट नहीं हुआ है ब्लड डोनेट। 5-6 सुने हैं किसी के माध्यम से, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है हमारे पंचायत या जो भी प्रखंड। एक्चुअली मेरी माँ टीचर है, और हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे टेबल कुर्सी टीचर है, मतलब ये हम हंसने के सेंस में बोल रहे हैं कि यानी हर फैमिली में आपको एक टीचर मिल जाएगा, तो कुछ मेरे में जेनेटिक आया है। और हम 6 बहन हैं तो 6 बहन टीचर ही है, और मेरी माँ खुद टीचर रही है 2010 में रिटायर की है, तो मेरे खून में ही आया है पढ़ाना। तो हम चाह के बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो हम स्टूडेंट लाइफ से पढ़ा रहे थे, और अभी हम नर्सिंग और पैरा मेडिकल कॉलेज में जो है हम फैकल्टी के रूप में हैं, और फिर हम हाफ टाइम से अपने क्लिनिक पर बैठते हैं। तो आज एक ऐसा समय आ गया है कि पूरा बिहार कहिए यूपी कहिए, कहीं ना कहीं आपको बड़े से बड़े हॉस्पिटल मेदांता पारस कहीं भी हो वो मेरा स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन, आप देख रहे वंदे बिहार। अभी हम हैं मोहद्दी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलालपुर, और जलालपुर में है एक विशेष व्यक्ति के यहाँ और विशेष काम होने जा रहा है। तो चलिए हम उन्हीं से परिचय कराते हैं और उनके बारे में जानते हैं और क्या विशेष काम होने को है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा, क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम डॉक्टर जयेश हुआ, मैं डेंटल सर्जन हूँ, और मेरा क्लिनिक जड़ुआ महना रोड SDFC बैंक के सामने है। अभी आप यहाँ जलालपुर में हैं, और जलालपुर में जानकारी हुआ कि आप यहाँ पर भी कुछ कैंप लगाना चाहते हैं। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। 1 जून को हमारे जलालपुर पंचायत में मेगा हेल्थ कैंप लगाने जा रहे हैं, और उस दिन जो है हम लोग अपना ब्लड डोनेशन कैंप यानी रक्तदान शिविर का भी जो है मेरा अपना ये संकल्प है कि 51 यूनिट कम से कम हम ब्लड को डोनेट करवाएं अपने गांव से, क्योंकि आज तक हम मेरे समझ से इतना 51 यूनिट नहीं हुआ है ब्लड डोनेट। 5-6 सुने हैं किसी के माध्यम से, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है हमारे पंचायत या जो भी प्रखंड स्तर पर। तो किस तरह से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जागरूकता की कमी है, गाँव देहात में ब्लड देना नहीं चाहते, सही बात, तो किस तरह से हैंडल कर रहे होंगे या क्या परेशानी अभी तक आपको? देखिए, कोई भी अगर नया काम या सही काम हो रहा है उसमें परेशानी तो आता ही है, तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। शहर में लोग यंग जनरेशन जो भी हैं करते हैं, एजेड लोग भी करते हैं, क्योंकि जागरूक हैं, और पढ़े लिखे लोग यहाँ भी हैं, लेकिन क्या पता क्या माइंड का है उनका, अपना कहना रहता है कि भाई इतना ब्लड मेहनत से बनाए हैं, खाते पीते हैं और रक्तदान करेंगे, मतलब क्या है। लेकिन मेरा कंसेप्ट है कि सपोज कीजिए 1 बाल्टी पानी है, उसमें से अगर हम 250 ml पानी निकाल लेते हैं तो फिर नया पानी आ जाएगा, तो सेम खून में भी कंसेप्ट है हमारा, ठीक है ना। और हम खुद जो है इंटर के बाद हम पटना में खुद 4-5 बार अभी तक हम ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो ये हम कुछ देखे हैं अपने फैमिली में भी, जब मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में आज से 15-20 साल पहले, तो आसाम का आदमी मेरी माँ को खून दिया था, तो कहीं ना कहीं ये हम देखें कि ब्लड के कारण क्या थैलेसीमिया बीमारी का नाम सुने होंगे, थैलेसीमिया में काफ़ी ब्लड का जरूरत पड़ता है। तो ये सब हम देखते हैं कि कैसे बच्चे, हम माँ ब्लड जो बैंक सेंटर है, माँ ब्लड बैंक सेंटर, उससे हम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ थैलेसीमिया काफ़ी मरीज आते हैं। तो ये सब को देखते हुए हमको लग रहा है कि नहीं, कुछ करना चाहिए। क्या सिर्फ यही आइडिया है या कहीं और इसको विस्तार रूप से गांव में कुछ करने के इरादे हैं आपके? देखिए, अभी तक जो है हम जो भी पढ़ाई लिखाई किए हैं सब बाहर किए हैं, है ना, और मेरी माँ गवर्नमेंट टीचर रही है तो यहाँ पे थी, अब 75 ईयर्स हो गया है, तो आज तक हम कुछ भी गाँव के लिए किए नहीं हैं। एक और सरस्वती पूजा किए थे गाँव में, काफ़ी दिन पहले का बात है, और मेडिकल फील्ड में हम खुद आ गए हैं और काफ़ी एक डिग्री भी हो गया है, काफ़ी स्टेबल हैं, तो एक गांव के लिए तो कुछ करना चाहिए ना, है ना। आज कुछ करने जा रहे हैं तो हम ये भी जान रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस होगा, लेकिन हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, है ना। कुछ भी लोग अगर हेल्प हो जाएगा तो मानिए, मेरी माँ को जो भी किया हेल्प, मेरे पापा भी कैंसर से मर गए हैं, तो हम लोग तो बहुत सारा सेक्रीफाइस किए हैं, एक टीचर के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो समझ सकते हैं, ऊंचा नीचा सब कुछ देखे हैं, तो ये भी एक समाज सेवा जो है, इसको समाज सेवा मत कहिए, जागरूक सेवा कहिए, है ना, ये भी बात। लोगों को जागरूक करने के लिए पहली बार आप पहल कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए क्या होता है, है ना, इसमें आपका भी हम हेल्प ले रहे हैं। तो नहीं, ये मेरा तो ये, चूंकि आप इतनी बड़ी कदम बढ़ाए हैं कि ब्लड डोनेट करना है, जैसे कि आपने बोला कि ये सारी बीमारी हो जाती है उसको, थैलेसीमिया बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो भी यंग जनरेशन मेडिकल फील्ड से है, अब तो गूगल का जमाना है, थैलेसीमिया के बारे में कोई भी पढ़ सकता है क्या है।
और सुने हैं कि आप पढ़ाते भी हैं बच्चे को। हाँ देखिए, एक्चुअली मेरी माँ टीचर है और हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे टेबल कुर्सी टीचर है, मतलब ये हम हंसने के सेंस में बोल रहे हैं कि यानी हर फैमिली में आपको एक टीचर मिल जाएगा, तो कुछ मेरे में जेनेटिक आया है। और हम 6 बहन हैं तो 6 बहन टीचर ही है, और मेरी माँ खुद टीचर रही है 2010 में रिटायर की है, तो मेरे खून में ही आया है पढ़ाना। तो हम चाह के बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो हम स्टूडेंट लाइफ से पढ़ा रहे थे और अभी हम नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में जो है हम फैकल्टी के रूप में हैं और फिर हम हाफ टाइम से अपने क्लिनिक पर बैठते हैं। तो आज एक ऐसा समय आ गया है कि पूरा बिहार कहिए यूपी कहिए, कहीं ना कहीं आपको बड़े से बड़े हॉस्पिटल मेदांता पारस कहीं भी हो वो मेरा स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। देखिए ये भी कम बड़ी बात नहीं हुई कि एक जमाना था कि हम BMLT का फुल फॉर्म नहीं जानते थे कि क्या होता है, सिर्फ MBBS जानते थे, और आज है कि पूरा कितना कोर्स होता है नहीं होता है सब कुछ जान रहे हैं, है ना। तो सेक्रीफाइस का ही देन है। तो अब बच्चे को यहाँ पर कौन से क्लास? हाँ, एक चीज़ बताना चाह रहे थे, अब जब चर्चा किए तो जिस दिन मेरा मेगा हेल्थ कैंप है उस दिन हम एक पाठशाला का भी शुरुआत कर रहे हैं। तो आप कहिए सर इतना दो दो प्रोजेक्ट आप एक बार क्यों ला रहे हैं? तो गांव एक आने का हमको बहाना चाहिए। अगर ये पाठशाला हम शुरू कर देते हैं तो जो हम बाहर पढ़ा रहे हैं अगर हम अपने गांव के गरीब बच्चा को पढ़ाएंगे, ऐसे तो कोई गरीब है नहीं, जिसके पास शिक्षा है कलम में ताकत होता है तो कोई गरीब नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब हुआ जो कि शिक्षा से जो गरीब है ना, तो वो जानेगा तो कहीं ना कहीं तो मेरे लिए पॉजिटिव होगा ना कि जिस जो जन्म मेरा जो स्थान है वहाँ पर कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना, लोग जानेंगे जागरूक होंगे। और ऐसे ही करते करते सबको एक दिन चला जाना है ना, कुछ लेके आए हैं और कुछ विशेष नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं और जो ब्लड डोनेट की आप बात कर रहे हैं उनको लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये जो वीडियो आप जो मेरा अभी हम वो जो कर रहे हैं इंटरव्यू जो दे रहे हैं उसका मेन एक यही कंसेप्ट था कि सोशल मीडिया का जमाना है ना, हम लाख प्रचार करवाएंगे इंडिविजुअल जाएंगे उतना नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जितने भी आपका लोकल न्यूज चैनल्स जितने भी यंग जनरेशन है जो समझते हैं 25 अंडर एज या 30 अंडर एज के हैं वो कम से कम उस दिन आए, पटना की टीम आएगी, है ना। तो बेस्ती ना हो, जो हम लोग 51 यूनिट लेके चल रहे हैं वो फुलफिल हो जाए, ठीक है 51 ना सही 40 ही हो लेकिन हो जाए, है ना। इससे क्या हुआ ना कि बाहर में आपका पंचायत का भी नाम होगा और एक आप किसी का जान बचा रहे, आप मेरे लिए नहीं करें, इससे मेरा कोई नाम नहीं होगा, खून आपका है आपका भगवान को आप दे रहे हैं, किसी का जान बचेगा तो पुण्य आपको मिलेगा, मेरा हम एक माध्यम का काम कर रहे हैं। तो आप जो भी लोग इसको सुनेंगे देखेंगे तो मेरा नंबर अगर ऐसा हो तो हम आपको दे देंगे, आप इनबॉक्स कर सकते हैं ताकि हम नाम दर्ज कर लें और हम इस चीज़ को बढ़ाएं, ठीक है। तो मेरा नंबर है 9835291447, एक बार फिर से हम बताना चाह रहे हैं 9835291447, ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों हुआ, आप मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सर।